सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शत धर्म। तो भाइयों, आज हम आपको मनियाल राजपूतों का इतिहास बताने जा रहे हैं। तो भाई, मनियाल या मनियाल जो ज़्यादातर पीओके में है, इसके अलावा वो कुछ जम्मू प्रांत के इलाके में भी रहते हैं, जैसे उधमपुर हो गया या फिर और इलाकों में कुछ रहते हैं। तो भाइयों, मनियाल राजपूत जो हैं, ये असल में पाल डायनेस्टी से संबंध रखते हैं। चंद्रवंशी राजपूत हैं जो कि पांडवों की ही डायनेस्टी से संबंध रखते हैं। तो भाइयों, रजौरी पर जरार राजपूतों के आने से पहले मंगरार राजपूतों का राज होता था, जिसमें लास्ट राजा हुए राजा अमनापाल। राजा अमनापाल को राजा मणिपाल भी कहा जाता है। तो भाई, राजा अमनापाल के नाम से ही ये ट्राइब मनियाल कहलाई। इसको एक बेटा था जिसको आगे जाकर मनियाला बोला जाने लगा अमनापाल से, तो ये मनियाल बन गया, मनियाल राजपूत कहलाए। राजा अमनापाल जो रजौरी के लास्ट राजा हुए, तो उनसे दो वंश निकले हैं। एक तो मनियाल राजपूत निकले हैं, एक मंगराल। मंगराल राजपूतों ने कोटली में राज किया, पुंछ में राज किया, और ये जो एक वंश इनमें से मनियाल राजपूत भी निकल गया, जो कि इसकी आगे पीढ़ी जाकर। तो भाइयों, आप सभी देख सकते हो कि राजा अमनापाल को राजा नाकाशेन, जो कि कालानोर से आए थे, अर्जराल राजा थे, उन्होंने जहां से हराकर तो बुरी तरह से जहां से भगा दिया था, जिसमें एक जो उनका वंश थे वो बुड्डल में जाकर बस गए। बुड्डल में आज भी मनियाल गाँव हैं, जो 1947 से माइग्रेट करके दूसरे देश में चले गए हैं। राजा अमनापाल की सात पीढ़ी आगे जाकर एक सूफी बुजुर्ग दूध हकानी के हाथों इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और ये मोहरा में सेटल हो गए, जिसका नाम था दीन मोहम्मद, जिन्होंने फतेहपुर ठकियाला, जो कि ठकियाल राजपूतों की रियासत थी, उनसे कुछ इलाका छीन लिया और वहाँ पर भी जाकर बस गए। भाइयों, आज भी मनियाल राजपूत पीओके में रहते हैं, जो कि मुस्लिम राजपूत हैं, और जम्मू में भी कुछ इलाके में रहते हैं जो कि क्षत्रिय राजपूत सिंह ही है। आप सभी देख सकते हो कि बहुत सारी आइडिया आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि असली राजपूत हैं। आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम, तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शत।